आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फोटोशॉप का बीटा वाला वर्जन या फिर फोटोशॉप से हम किस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि कैसे हम पेड फोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आप जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक वेबसाइट का इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को फोटोग्राफी वाला प्लान लेना है जिसमें फ़ोटोशॉप आता है। ओके, तो इसके लिए आपको फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे। और देखिए, यदि आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, वीडियो एडिटर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, क्योंकि उनके लिए उस तरीके से जो है उन्होंने मॉडिफाई करके एक प्लान बनाया हुआ है। तो अपने को फोटोग्राफी वाला प्लान लेना है तो अपने को फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। अब जब फ़ोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई देगा, जैसे 797 का जो है आपको मंथली इनको पेमेंट देना होगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को जस्ट यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। अपने को यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, काफ़ी सारे लोग इसका ट्रायल ले लेते हैं, बट क्या होता है ना, ट्रायल लेने के बाद में वो पेमेंट अपने अकाउंट से काट लेता है बाद में, ट्रायल ख़त्म होने के बाद में, और हमें याद भी नहीं रहता। तो जो ये स्टॉक इमेजेस है ये हमारे उतने कुछ काम में नहीं आती है, तो ये हमारा मतलब सिंपल, इसको हम यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, हम इसको इसी तरीके से रहने देंगे। जस्ट हमें बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही बाय नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है 20 GB वाला है और एक मिलता है 1 TB वाला। अब जो 1 TB वाला होता है ये अपने लिए नहीं है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारा 20 GB से भी काम हो जाता है, 1 TB लेने वाला मतलब ये वाला प्लान ना भी लेंगे तब भी चलेगा। तो हमें 20 GB वाला ले लेना है, 20 GB में हमारा काम हो जाता है। ओके जी, 20 GB ये जो क्या होता है, ये एक बड़ा मसला होता है कि ये है क्या। देखो ये क्या होता है कि फ़ोटोशॉप का ना क्लाउड स्टोरेज होता है, जहाँ पर हम हमारा PSD वगैरह सेव कर सकते हैं। अब आप हमारे मतलब आप अपने PC में भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि यार मेरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं फ़ोटोशॉप के अंदर ही सेव करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप 20 GB तक का वहाँ पे सेव कर पाओगे। यदि आपको लगता है कि मेरे को 1 TB वाला लेना है तो फिर आप 1 TB के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं खुद यहाँ पे 20 GB वाला प्लान यूज़ में लेता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है 797 का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर से आपको मिलता है जो है स्टॉक इमेजेस वाला ऑप्शन, तो ये अपने को इसको इग्नोर करना है और जस्ट यहाँ पे बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक होने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी डालना है, जो भी आपकी मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल दिया है सिंपल, ठीक है, help@jkstudios.in करके इस तरीके से एक मेल आईडी मैंने डाल दिया है, और मैंने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। अब जब आप कंटिन्यू के ऊपर मतलब मैं क्लिक करूँ, उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो है महीने का 679 करके कुछ जो है पेमेंट कटने वाला है, और मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना नाम, तो मैं डाल देता हूँ नाम अपना, ठीक है। आप इसके अलावा आपको फिर आपका जो भी एरिया आप जहाँ पर भी रहते हो वो आपको डालना है, जो भी आपका पिन कोड है एरिया का वो आपको डालना है। यहाँ पे आप गलत डालोगे तब भी चलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको जो एरिया का पिन है वही डालना पड़ेगा, कुछ भी डाल दो चलेगा। यहाँ पे GST है यदि आपके पास तो GST डाल दो, और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आपको डालना है। ओके, और यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड आपको डालना है। अब देखो कई सारे लोगों के पास डेबिट कार्ड भी होता है, अब देखो जो डेबिट कार्ड रहता है वो रुपए वाला नहीं होना चाहिए, वो वीज़ा वाला होना चाहिए। यदि आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है किसी वजह से, आपके पास रुपए वाला है वो यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो ना पेटीएम के ऊपर, जो पेटीएम का मोबाइल ऐप होता है आपको उसके ऊपर जाना है, और वहाँ पे ना एक डिजिटल डेबिट कार्ड बनता है। आप जब जाओगे ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ जाएगी पेटीएम के ऐप के ऊपर, और वहाँ से ना 20 मिनट में जो है वो डेबिट कार्ड बन जाता है, और वो यहाँ पर ना अप्लाई भी हो जाता है, राइट। इसके बाद आपको सिंपल एग्री एंड सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है। अभी ये मैंने पहले से ही सब कुछ करके रखा है, तो मैं यहाँ पर वो डबल से नहीं करने वाला। इसके बाद क्या होगा, आप जैसे इसके इसको पेमेंट करोगे, पेमेंट होने के बाद में आपको एक क्रिएटिव क्लाउड ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वो आपको जस्ट डाउनलोड करना रहता है और उसको इंस्टॉल करना रहता है, बेसिक बस वो डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल हो जाता है। तो उसके बाद में अपन मान लेते हैं कि वो डाउनलोड हो गया है और उसको हमने इंस्टॉल भी कर लिया है, तो उसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ।
तो इस तरीके से आपको वो ऐप का इंटरफेस नज़र आता है। तो यहाँ पे आपको ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। ऐप्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ना एक फ़ोटोशॉप का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ओपन का नहीं मिलेगा, आपके पास जो है डाउनलोड का ऑप्शन यानी इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इसके अलावा यदि आपको बीटा वाला फ़ोटोशॉप चाहिए तो यहाँ पर आपको जस्ट बीटा वाले ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही आप बीटा ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो फ़ोटोशॉप के बीटा वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उनको आप यहाँ से जो है डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से करके उसको ओपन कर सकते हो। यदि आप चाहते हो नॉर्मल जो फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है तो आपको ऑल ऐप्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से उसको डाउनलोड करना है। ओके, तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होगी। यदि कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई जानकारी लेना है तो आप मुझे इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। बाकी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, यदि आपको वो भी ज्वाइन करना है तो आप उसकी जानकारी भी ले सकते हो जो है इस नंबर पे कॉल करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। बाकी थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में फिर कभी। थैंक यू, बाय।